किसी ज़माने में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जोड़ी को बी टाउन के हॉट कपल्स में गिना जाता था। दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करते थे। ऐसे में जहां फैंस इस परफेक्ट कपल को शादी के बंधन में बंधते हुए देखना चाहते थे, तो वहीं दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया था। ब्रेकअप के बाद सभी को लगने लगा था कि रणबीर और कैटरीना के रास्ते अब अलग हो चुके हैं और दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। मगर कुछ सालों बाद ही दोनों ने फिल्म साइन करके दोबारा सभी को चौंका दिया। फिल्म जग्गा जासूस तो पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, मगर फिल्म के प्रमोशन का एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर जमकर स्क्रॉल किया जा रहा है। इस वीडियो में मीडिया से बातचीत के दौरान कैटरीना की तारीफ करते हुए रणबीर कहते हैं, डांस करने में मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसके जैसा कमाल का डांसर नहीं हूँ। मुझे लगता है ये बेहतरीन डांसर है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह और कमली जैसे उम्दा सॉन्ग्स किए थे, तो इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था। मैं इन्हें एक्सप्रेशंस वगैरह की रिहर्सल करवाता था, लेकिन इन्होंने मुझे कभी शुक्रिया नहीं कहा। रणबीर की बात सुनने के बाद कैटरीना अचानक से बोल पड़ी, तू पीके आया है क्या? कैटरीना का कट टू कट रिप्लाई सुनने के बाद रणबीर भी थोड़ी देर तक शॉक हो गए थे, मगर फिर उन्होंने मामले को संभालते हुए कहा, पीके तो आमिर खान है। रणबीर और कैटरीना का कोल्ड वॉर देखने के बाद कमेंट सेक्शन में भी फैंस के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। ऐसे में एक फैन ने लिखा, ये कैटरीना की चमक छीनने की कोशिश कर रहा है, सो इमेच्योर। वहीं दूसरे फैन ने लिखा, ये लोग मीडिया के सामने बहस कर रहे हैं। तीसरे फैन ने लिखा, रणबीर कपूर का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है, वो तो उन्होंने बोल दिया कि वो तो आमिर खान था, नहीं तो आज इनकी बेइज्जती हो जाती। इसी कड़ी में एक फैन ने मजाकिया अंदाज में लिखा, रणबीर सचमुच आंखों से नशे में लग रहे हैं। वहीं दूसरे फैन ने कैटरीना की तारीफ करते हुए कहा, कैट वेल डन, इसे कहते हैं जैसे को तैसा, परफेक्ट रिप्लाई। बता दें कि फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी की शूटिंग के दौरान रणबीर और कैटरीना को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद दोनों काफ़ी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे थे। वहीं दोनों की शादी की अटकलें भी तेज़ हो गई थी, मगर 2016 में दोनों के ब्रेकअप की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया था। हालांकि ब्रेकअप के कुछ सालों बाद कैटरीना की ज़िंदगी में विकी कौशल की एंट्री हुई और साल 2021 में कैटरीना ने राजस्थान में विकी कौशल के साथ रॉयल वेडिंग कर ली। तो वहीं रणबीर कपूर ने भी लाइफ में मूव ऑन करते हुए आलिया भट्ट का हाथ थाम लिया। रणबीर और आलिया ने मुंबई में ही 2022 में शादी की थी। वहीं अब दोनों की एक बेटी रेहा भी है। ऐसी ही मज़ेदार खबरों के लिए हमारे चैनल बिहाइंड टॉकीज़ को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं।